प्रातः काल का अंधकार धीरे धीरे सूर्योदय की ओर बढ़ रहा है। सुबह के करीब 3:30 बजे नागपुर शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर मूर्ति फार्म्स में रोज की तरह कामकाज की रफ्तार तेज हो जाती है। फ्रीजर में रखा दूध ऑर्डर के आधार पर गाड़ी में जमाया जाता है और लोड होने के बाद गाड़ी ठीक 4:30 बजे मूर्ति फार्म से अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो जाती है। कुछ ही समय का सफर तय कर गाड़ी दूध लेकर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाती है। मूर्ति फार्म्स के डिलीवरी बॉय बारी बारी से अपना अपना दूध उतार लेते हैं और डिलीवरी रूट के आधार पर वितरण हेतु निकल पड़ते हैं। पिछले कई वर्षों से मूर्ति फार्म्स का अमृत धारा दूध जो माताएं अपने घर में उपयोग कर रही है, उन्हें लगता है मूर्ति फार्म्स का दूध सिर्फ गाय का दूध न होकर माँ के दूध के समान स्वादिष्ट, पौष्टिक, सेहतमंद और पचने में आसान, कहते हुए थकती नहीं है। और हाँ, अमृत धारा दूध अपने ग्राहकों तक पहुँचता तो है, परंतु सही समय पर बेहतरीन क्वालिटी तथा सही क्वांटिटी के साथ। यही तो है मूर्ति फार्म्स के गायों के शुद्ध दूध अमृत धारा की वर्षों से चली आ रही परंपरा, और इस परंपरा से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। हमारा एक्सपीरियंस ये है, बच्चा इधर जो दूध पी रहा था तो बहुत अच्छा था, बीमार नहीं हुआ, कुछ नहीं। जहाँ वो नानी के घर गया, 2-4 दिन में पैकेट का दूध पी के बीमार हो गया। फिर उनको ये बताया हमने कि आप दूध चेंज करके देखिए। फिर उन्होंने उसी दिन से तुरंत मूर्ति वालों का दूध स्टार्ट किया और आज 4 साल से उनके घर भी शुरू है और हमारा बच्चा जाता है, वहाँ भी पीता है, यहाँ भी पीता है। वो भी हमारा मूर्ति फार्म का ही था। साथ ही साथ उसमें दही बहुत अच्छा बनता है अगर आप लगाते हैं, और साय बहुत अच्छी आती है। तो हमें हर 15 दिन में एटलीस्ट 1 kg घी निकलता ही है, 2-2.5 लीटर के इस पे। एंड वी आर वेरी हैप्पी, और बहुत मीन्स प्योर्ड है, विदाउट पाउडर, विदाउट एनीथिंग, और आई एम वेरी हैप्पी। मूर्ति फार्म्स का दूध मुझे बेहतरीन लगा डाइजेशन के हिसाब से, और मेरी बेटी को भी, और इसके काफ़ी फायदे हमें महसूस हुए हैं। पैकिंग के बारे में अगर पूछे तो बेहतरीन लगता है, क्योंकि ये आता है ग्लास के बॉटल में, विच इज़ मोर बेटर देन प्लास्टिक बॉटल, जो हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इको फ्रेंडली भी है। 4 साल से मूर्ति फार्म का गाय का दूध ले रही हूँ, और दूध की क्वालिटी और अच्छी है, हाइजेनिक है। इसका टाइम भी बहुत अच्छा है, 7 बजे रेगुलर दूध पहुँच जाता है घर पे, और दूध में क्रीम भी अच्छा निकलता है, मलाई के कारण घी भी अच्छा बनता है, और हम लोग इसकी सर्विस और क्वालिटी से सेटिस्फेक्शन है। मूर्ति फार्म्स के डिलीवरी बॉय दूध की डिलीवरी करने के तुरंत बाद मूर्ति फार्म्स के मोबाइल ऐप पर दूध डिलीवरी की जानकारी अपडेट कर देते हैं और फिर अगले ग्राहक की ओर निकल पड़ते हैं। मूर्ति फार्म्स के गाय बछड़ों के खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है, विशेषतः खाद्यों में ढेप चूरी उनके उम्र के आधार पर गिन कर दिया जाता है। साथ ही मूर्ति फार्म्स के गौशाला में गाय बछड़ों की विशेष देखभाल की जाती है, लालन पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही गौशाला में संगीतमय वातावरण रखा जाता है। गौशाला में बछड़ों के लिए खास तौर पर बनाया गया खाद्य उन्हें हाथों से खिलाया जाता है, यह एक विशेष है। गाय एवं बछड़ों को खाद्य देने के पश्चात गाय के दूध की दुआरी करने से पहले साफ पानी से थन की सफाई की जाती है, उसके बाद कपड़े से पानी पोंछा जाता है और फिर मशीन एवं हाथों से दुआरी की जाती है। सही तरह से दुआरी हो जाने के बाद गाय के थन पर एक विशेष द्रव्य लगाया जाता है ताकि थन की नाजुक जगह मुलायम एवं स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। गायों का दूध निकालकर उनके नामों के आधार पर एंट्री की जाती है तथा दूध के प्रमाण एवं गुणवत्ता को चार्ट पर लिखा जाता है, और यही चार्ट सालों तक रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। सबसे पहले देसी गाय के दूध को जांच परख कर
तथा छानकर डीसीएम देसी काओ मिल्क चिलर में डाला जाता है और 2 से 5 डिग्री में चिल्ड होने के लिए छोड़ा जाता है। ठीक इसी तरह एमसीएम मिक्स काओ मिल्क भी 2 से 5 डिग्री में चिल्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है। गाय से दूध निकालने के बाद गाय की सही तरीके से मालिश की जाती है, जिससे गाय के शरीर में रक्त प्रवाह संतुलित रहता है तथा सेहत में हमेशा सुधार बना रहता है एवं दूध की मात्रा में कभी कमी नहीं आती। गौशाला में स्वच्छता की ओर अति महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। गौशाला की सभी गायों को सुबह की पहली प्रहर की प्राकृतिक हवा में विहरने के लिए छोड़ा जाता है। संपूर्ण गौशाला की अच्छी तरह साफ सफाई की जाती है। पानी पीने के बर्तन साफ किए जाते हैं और फ्लोर साफ की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना रहे। गौशाला की अच्छी तरह संपूर्ण सफाई करने के बाद ऑर्गेनिक जंतुनाशक का छिड़काव किया जाता है तथा स्टील के बर्तन में साफ पीने का पानी भरकर रखा जाता है। कुछ समय के बाद विहरने गई सभी गाय एक कतार में गौशाला की ओर आने लगती है, मानो उन्हें सिखाया गया हो। जमा हुई सभी गायों की पानी डालकर साफ सफाई की जाती है, उन्हें नहलाया जाता है। मूर्ति फार्म्स के गोदामों में गायों के लिए गुणवत्तापूर्ण खाद्य इस्तेमाल किया जाता है। ताजा ताजा अजोला तथा खेत में उगाया हरा हरा चारा और सूखे चारे के साथ मिलाकर काटा जाता है। चारे की अच्छी तरह कटाई की जाती है और बारी बारी से सभी गायों को खाने के लिए दिया जाता है। इस तरह का चारा गायों की सेहत एवं दूध दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। गौशाला की गायों की समय समय पर डॉक्टरी जांच की जाती है। दूध की पैकिंग करने से पहले बोतल के ढक्कनों को साफ पानी में धोया जाता है तथा बोतलों को भी हाथ और मशीन दोनों से ही अच्छी तरह से साफ किया जाता है और फिर बोतलों में चिल्ड किया हुआ दूध भरा जाता है। मूर्ति फार्म्स का अमृत धारा यह दूध 2 अलग अलग विशेषताओं में उपलब्ध है। हरे ढक्कन वाली डीसीएम देसी काओ मिल्क जो 0.5 लीटर एवं 1 लीटर की बोतल में उपलब्ध है। एमसीएम मिक्स काओ मिल्क जो पीले ढक्कन वाली 0.5 लीटर एवं 1 लीटर की बोतल में उपलब्ध है। यह थी मूर्ति फार्म्स के अमृत धारा शुद्ध गाय के दूध की प्रक्रियाओं की संपूर्ण जानकारी। मूर्ति फार्म्स की प्रस्तुति।